टॉपिक है एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वक्त के साथ साथ स्कोप बहुत बढ़ रहा है। एडीआर क्या होती है, आर्बिट्रेशन क्या होती है, और आप पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल एडीआर में क्या रोल परफॉर्म कर सकते हैं, हम इस पर आज बात करेंगे। और जिस तरह मैं आपसे शुरू से कहता रहा हूं कि हमेशा कोशिश यही होती है कि जो भी टॉपिक हम चूज करें, कोशिश करें कि उस टॉपिक के एक्सपर्ट जो है वो आकर आपके साथ नॉलेज शेयर करें। आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन है उनका नाम है राणा रिजवान हुसैन साहब। मैं तकरीबन 22 सालों से इनको जानता हूं, राणा साहब को। थॉरो जेंटलमैन, डिसेंट पर्सनैलिटी, कूल माइंडेड और इंतहाई कॉम्पिटेंट। आर्बिट्रेशन के ऊपर इनकी एक बुक भी पब्लिश हो चुकी हुई है और मेरा ख्याल है उसके एडिशन काफी, कितने एडिशन अब आपको ज्यादा देर माइक से दूर नहीं रहता, आप इतना ही और सबके साथ अपना नाम शेयर करें। बहुत शुक्रिया निशान साहब। निशान साहब, इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ आऊँ, हमें छोटी सी बात बस ये, निशान साहब को आप बहुत देर से जानते हैं, शुरू से आपके साथ ही कनेक्टेड है, जब से आपका एक प्रोग्राम चल रहा है। अब तो आप भी जान चुके हैं कि निशान साहब बड़ी जेनरस तबीयत के आदमी हैं, तो जब किसी की तारीफ करने पे आते हैं ना, उसी जेनरोसिटी से काम लेते हैं। तो ये सारी जितने तारीफ की है ना, तो इसमें इनकी जेनरोसिटी का ज्यादा जो है वो रोल है। तो मैं जो हमारा टॉपिक है इसके हवाले से, आवाज आ रही है सब लोगों को? अच्छा, मैं एक सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग काइंडली अगर फ्रंट सीट्स पे आ जाए। तो फ्राइडे को अच्छा, अगर आप आगे नहीं आना चाहते तो कम से कम पिलर्स के पीछे जो लोग है ना वो इधर आ जाए, ताकि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जरा इंटरेक्शन होना चाहिए, और फेस तो कम से कम दिखाई देना चाहिए। अभी जगह है, बिलाल के पास दो पार्टिसिपेंट और आ सकते हैं। मैंने आपसे कोई मुश्किल मुश्किल सवाल नहीं करने, जिसकी वजह से अगर आप डर रहे होंगे आप पीछे बैठे तो सवाल नहीं होंगे। मैंने सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जरा हम एक इंटरैक्टिव सेशन रखें, और उसी सूरत में मुमकिन है अगर हम एक दूसरे को सही तरह से देख सकेंगे। एनीवे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एडीआर, आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा जो इनिशियली टॉपिक डिसाइड हुआ था, जो डेलिब्रेट हुआ था बेसिकली, वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ था। वो जो आपको इसकी सब हेडिंग के बीच में नजर आ रहा है ना, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड रोल ऑफ डोमेस्टिक लॉयर, तो मैं बेसिकली ये चाहता था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स हैं, उसके बीच में आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आमतौर पे एक आइडिया जो पाया जाता है वो कुछ इस तरह से है कि जो इंटरनेशनल प्लेन पे जो लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो शायद कुछ डिफरेंट लॉयर्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस शायद डिफरेंट होती हैं, उनकी एक्रेडिटेशंस और एलिजिबिलिटीज जो है वो शायद डिफरेंट होती है। तो इस वजह से वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर और इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस के बीच में इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बरक्स जो
वकला है जो किसी खास मुल्क के बीच में, यहाँ पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो जो सिर्फ पाकिस्तान के बीच में एज एडवोकेट एनरोल्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान की अदालतों के सामने ही पेश हो सकते हैं, या सिर्फ यहीं पर रह के जो डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स हैं सिर्फ उन्हीं को डील कर सकते हैं, और वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसके बीच में शायद वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो एक तो ये मेरा था कि मैं ये चीज जो है आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन उसके साथ में फिर हमने इसको थोड़ा सा टॉपिक को ब्रॉड कर लिया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर काम हो रहा, बहुत सी ऐसी कमेटीज, बहुत से ऐसे जो है वो कमीशन जो है वो तश्कील दिए गए हैं कि जो एडीआर के कानून और इसकी प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीकेशन जो है उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और इस पर शायद अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों के साथ को थोड़ा सा आप फॉलो करते हैं अगर, तो आपने देखा होगा कि आए दिन कोई ना कोई सेमिनार, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस एडीआर के किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर जो है वो कंडक्ट हो रही होती है इन पाकिस्तान, कभी लाहौर, इस्लामाबाद, डिफरेंट सिटीज, तो इसलिए एडीआर के ऊपर बात करना जो था वो भी जरूरी था। तो लिहाजा हम स्टार्ट करेंगे यहाँ इसमें, स्टार्ट करेंगे हम डिस्प्यूट मैनेजमेंट से। डिस्प्यूट मैनेजमेंट, सबसे पहले डिस्प्यूट, आपने आप आगे आप सब लोग इनरोल हो चुके हैं, अभी होना है आपने भी इनरोल हो चुके हैं, अच्छा ओके, आप आगे जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं टू बी ए, ये बेसिकली आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बेसिकली लोगों के डिस्प्यूट्स जो है उनको डील करने के लिए वन वे और अदर यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू हेल्प पीपल रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये जो डिस्प्यूट मैनेजमेंट है इसके इसको दो तरह से इसको डील किया जाता है, एक होता है डिस्प्यूट अवॉइडेंस और एक होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हमारे यहां देशों के जो ज्यादा काम हो रहा है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर हो रहा है, लेकिन एक दूसरा इसका जो एरिया है वो है डिस्प्यूट अवॉइडेंस का। डिस्प्यूट अवॉइडेंस मीन्स के कुछ ऐसे तरीके से रिलेशनशिप्स को क्रिएट करना जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो है वो किसी एक नए रिलेशनशिप के बीच में एंटर हो रहे हो, वो कोई बिजनेस रिलेशन है, कोई दूसरा सोशल रिलेशन है, या किसी भी किस्म का रिलेशन है, तो उनके रिलेशन को कुछ इस तरह से आर्टिकुलेट करना, उनके रिलेशन को इस तरह से क्रिएट करना कि उनका जो चांस ऑफ अराइजिंग डिस्प्यूट है वो मिनिमाइज हो जाए। आप कभी भी उस चांस ऑफ अराइजिंग डिस्प्यूट को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये एक एरिया ऑफ लॉ है जिसके ऊपर फिलहाल कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बताने का जो मकसद है वो ये है कि आप में से जो लोग आगे अगर फर्दर स्टडीज को एस्पायर कर रहे हैं इनकेस, तो आप डिस्प्यूट अवॉइडेंस को एज वन ऑफ द एरियाज, वन ऑफ द लाइंस टू चूज इन योर फर्दर स्टडीज, आप इसको जो है वो देख सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं डिस्प्यूट अवॉइडेंस। तो डिस्प्यूट अवॉइडेंस जो है, मैं इसके ऊपर फिलहाल आज की बहुत ज्यादा लंबी बात तो नहीं करूंगा कि हमने फाइनली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर और आर्बिट्रेशन की तरफ आना है और रोल ऑफ डोमेस्टिक वायर की तरफ हमने आना है, इसलिए मैं सिर्फ इतना आपको इस स्टेज के ऊपर जो है वो कहूंगा कि डिस्प्यूट अवॉइडेंस जो है इसके लिए जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके लिए जो एक्सपर्टीज होती है, दे दोस पर्टेन टू ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आप कॉन्ट्रैक्ट को किस कुछ इस तरह से ड्राफ्ट करते हैं, उनके बीच में आप कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि जो उस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन को परफॉर्म करने के लिए आसानी पैदा करते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन की परफॉर्मेंस आसान हो जाती है तो फिर उसके बाद उसमें डिस्प्यूट के राइज होने का जो चांस है वो कम से कम हो जाता है। तो then we come to
dispute resolution. After dispute avoidance, we now come to dispute resolution. Dispute resolution का मतलब है कि dispute जो है वो arise हो चुका है already. अब आपने उसको resolve करना. आपने dispute avoidance measures लिए थे या नहीं लिए थे. Now the dispute has arisen between the parties. Now the parties are at some conflict with each other. तो अब आपने आपके पास जो है अब पार्टीज जो हम इसलिए आई हैं कि हम इस डिस्प्यूट को जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं. तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को भी अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर के बीच में देखें तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ना भी तीन लेवल है. एट थ्री डिफरेंट लेवल्स अ डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व. और या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि एट थ्री डिफरेंट लेवल्स अ डिस्प्यूट कैन बी ब्रॉट टू एन एंड. ठीक है, रेजोल्यूशन के बीच में और ब्रिंगिंग टू एन एंड टू इट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. बट यू कैन ब्रिंग अ डिस्प्यूट टू इट्स एंड बाय अडॉप्टिंग थ्री वन ऑफ द थ्री लेवल्स विच आर देयर फॉर रिजॉल्विंग और एंडिंग अ डिस्प्यूट. पहला लेवल है वो है पावर लेवल. पावर लेवल का मतलब है माइट इज राइट. ठीक है, आज की हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसके बीच में जो पावर लेवल है दैट हैज नो स्पेस. या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि किसी भी सिविल सोसाइटी के बीच में जहां पे कानून की बालादस्ती हो, जहां पे आईन और कानून जो है वो तश्कील पा चुके हों और उनके जरिए से एक लीगल सिस्टम जो है वो चल रहा हो, वहां पे माइट इज राइट जो है दैट इज आउट ऑफ द विंडो. वो दैट बिकम्स इररेलेवेंट. तो लिहाजा माइट इज राइट इस वन लेवल के जिसके बीच में एक जो पावरफुल पर्सन है वो एक जो वीकर पर्सन है उसको स्नब करके या उसके ऊपर अपनी सुपीरियरिटी को एक्सरसाइज करके वो उस डिस्प्यूट को किसी ना किसी तरीके से जब खत्म कर देता. तो दैट इज नॉट मेथड विच इज इन प्रैक्टिस टुडे इन अ सिविल सोसाइटी. दूसरा जो लेवल है वो है राइट्स लेवल. राइट्स लेवल का क्या मतलब है? राइट्स लेवल का मतलब है a third person determines the rights between the parties, meaning thereby dispute arise us waqt hota hai jab parties ke darmiyan mein identification of rights ke upar conflict aa jata. Ek party kehti hai ki ye wale jo rights hai, any particular rights, these rights belong to me. For example, it's a property, disputed property. एक बंदा कहता है कि ये जो property है ये मेरी property. दूसरा शख्स कहता है ना this is my property. या एक शख्स कहता है कि इसके ऊपर right of possession जो है वो मेरा. दूसरा कहता है नहीं, इसके ऊपर मेरा right of possession. तो जहां पे parties के दरमियान में rights की identification के ऊपर, determination के ऊपर conflict आ जाता है, वहां पे dispute arise हो जाता है. तो जब parties अपने राइट्स को बाइफर्केट करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि कोई ऐसा शख्स हो कि जो हमें हमारे जो रिस्पेक्टिव राइट्स हैं वो हमें बता दे कि ये जो प्रॉपर्टी है इट बिलोंग्स टू मिस्टर ए एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मिस्टर बी. या ये वाले जो रिस्पेक्टिव राइट्स हैं ये मिस्टर ए के राइट्स हैं और ये वाले जो राइट्स हैं मिस्टर बी के राइट्स हैं. तो ऐसा जो फॉरम है जो कानून ने मुहैया किया वो है कोर्ट. हम कोर्ट के बीच में जाते हैं, कोर्ट के बीच में जाके हम एक सिविल सूट या जो भी एक कॉम्पिटेटिव प्रोसीडिंग्स है वो हम इंस्टीट्यूट करते हैं और हम अदालत से ये जो है वो एक रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि हमें हमारे ये वाले हकूक दिए जाए. दूसरी पार्टी आती है रिटन स्टेटमेंट या रिप्लाई फाइल करती है और वो कहती है कि नहीं, ये वाले जो राइट्स हैं ये राइट्स एक्चुअली दे डू नॉट बिलोंग टू द प्लेंटिफ और टू द एप्लीकेंट द वे ही हैज अलेज्ड इन हिज प्लेंट और एन एप्लीकेशन they actually belong to me. तो इस कॉन्फ्लिक्ट को फिर एक सीपीसी के बीच में एक पूरा प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करने के बाद अदालत आखिर में आके एक जजमेंट के जरिए से ये फैसला करती है कि ये वाले राइट्स इस शख्स के हैं, ये वाले राइट्स दूसरे शख्स के. ठीक है, तो ये वाला जो लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है इसको कहते हैं राइट्स लेवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. उसके बाद जो तीसरा लेवल है डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का वो है इंटरेस्ट लेवल. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लेवल है. किस तरह
जो इंटरेस्ट लेवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है इसके बीच में पार्टीज जो है दे डू नॉट फाइट ईच अदर ऑन राइट्स. पार्टीज दे डू नॉट परस्यूम देयर राइट्स. व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स अनलाइक देयर राइट्स. यहां पे मुमकिन है कुछ आपके जहन में ये आए कि whether the interests are different from the rights. Yes, interests stand quite different from the rights. They are quite different from the rights. किस तरह से एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए से आपको इसकी वजाहत करने की कोशिश करता हूं. एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, उसके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया. डिस्प्यूट कहां पे अराइज होगा? जहां पे वन पार्टी वुड अलेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ अदर. तो फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ने दूसरे शख्स को कोई पेमेंट करना थी, वो पेमेंट जो है वो उसको नहीं कर सका, या उसको उसको एक शख्स ने दूसरे को कुछ गुड्स डिलीवर करना थी, वो गुड्स जो है वो उसको डिलीवर नहीं कर सका है. तो यहां पे दूसरा शख्स जिसके अगेंस्ट में ये ब्रीच कमिट हो गया है वो कहता है कि आप मुझे डैमेजेस ग्रांट करें फॉर कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डैमेजेस इज अ रेमेडी प्रोवाइडेड इन लॉ. वे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि वे देयर इज अ ब्रीच देयर इज अ रेमेडी ऑफ डैमेजेस that may be exercisable along with some other remedies such as repudiation or so, but damages where one party commits a breach, other party has a right of damages against that. अच्छा, अब अगर तो इसको rights के level के ऊपर resolve करना हो इसी dispute को, बहुत आसान है. किस तरह से आसान है? अदालत में जाए, breach of contract अलेज करें और damages claim करें. आप जितना अपना डैमेज अदालत के सामने साबित कर देंगे कि इस ब्रीच की वजह से मुझे इतना डैमेज हुआ, इतना लॉस हुआ, प्रोपोर्शनेट टू द डैमेज द कोर्ट विल ग्रांट यू डैमेजेस. ठीक है, अगर डैमेज की नेचर स्पेशल है तो डैमेजेस आपको स्पेशल नेचर पे मिल जाएंगे. डैमेज की नेचर ऑर्डिनरी है तो डैमेजेस आपको जो है वो ऑर्डिनरी अदालत की तरफ से मिल जाए. लिहाजा क्या होगा कि दोनों के राइट्स जो है वो डिसाइड हो जाएंगे. कोर्ट मद्देनजर रखेगी कि इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो सॉलन पार्टी है जिसके अगेंस्ट में ब्रीच हुआ है उसको इतना नुकसान हुआ था और उस नुकसान का अजाला एक्यूरेटली इतने डैमेजेस के साथ हो सकता है, उतने डैमेजेस जो है वो अदालत जो है वो ग्रांट करते हैं. अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात जो है वो पूछना चाहता हूं. ये अगर मेरा और आपका बिजनेस रिलेशन पुराना है, लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस रिलेशन है, हम लोग फॉर एग्जांपल पिछले 10, 15 या 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं और एक खास पॉइंट के ऊपर आके आपकी तरफ से कोई माइनर कोई ब्रीच हो जाती है जिसकी वजह से मुझसे मुमकिन है कुछ नुकसान भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, उसका मुझे नुकसान भी उसकी वजह से जो है वो कॉज होता है. अगर रिलाइंग अपॉन दैट ब्रीच अगर मैं आपसे डैमेजेस मांगू, अगर मैं आपके अगेंस्ट में सिविल सूट फाइल कर दू overlooking the past relationship, the long-standing business relationship which we have had for long time, उसको overlook करते हुए मैं आपके against में suit file कर देता हूं और मैं कहता हूं जी मुझे इतने damages जो है वो चाहिए क्योंकि आपकी breach की वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ. केस मुमकिन है वो finally मेरी favor में आ जाए और मुझे damages मिल भी जाए आपकी तरफ से. मुझे एक बात ये बताइए, क्या वो डैमेजेस देने के बाद आप मेरे साथ दोबारा बिजनेस करना चाहेंगे? चाहेंगे क्या? नो.
आप सिंपली आप ये कहेंगे यार देखिए कितना ये किस किस्म का आदमी, इसने पिछले 20 साल के रिलेशनशिप का ख्याल नहीं किया और इसने स्ट्रेट अवे मेरे अगेंस्ट में सिविल सूट दायर कर दिया, लीगल नोटिस भिजवा दिया, सिविल सूट दायर कर दिया और डैमेजेस मुझसे निकलवा लिए और बीच में कुछ मिस स्टेटमेंट्स करके कुछ अजाफी डैमेजेस भी निकलवा लिए। आप तो सिंपली कहेंगे नो मोर बिजनेस रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। अब ये दो प्रोपोजिशन, एक के बीच में मैंने आपके अगेंस्ट में सिविल सूट फाइल कर दिया और आपसे डैमेजेस निकलवा लिए और दूसरा ये कि उसके बाद हमारा जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया। इसके बरक्स अगर मैं आपसे वो डैमेजेस तो क्लेम ना करूं, फॉर एग्जांपल कोर्ट के बीच में जाकर मैं आपसे डैमेजेस क्लेम नहीं करता, लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूटी के बीच में रहता, तो मेरा ज्यादा फायदा किस चीज के बीच में, इंटरेस्ट किस चीज के बीच में, वंस फॉर ऑल डैमेजेस ले लेने के बीच में या एक कॉन्टिन्यूस बिजनेस रिलेशनशिप को रखने के बीच में, सेकेंड ऑप्शन के बीच में, एक बिजनेस की को कंटिन्यू करने के बीच में, एक कॉन्टिन्यूस बिजनेस इंटरेस्ट है उसको कायम रखने के बीच में। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी होना चाहिए कि जहां पे पार्टीज जो है वो अपने राइट्स को परसू ना कर, क्योंकि अगर कानूनन देखा जाए अदालत में जाकर अगर मैंने आपसे डैमेजेस अगर मांगे हैं और सिक्योर किए हैं, कुछ गैर कानूनी तो नहीं किया, गलत तो कुछ नहीं किया, राइट्स है ना मेरे कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया उसके नतीजे में मेरा नुकसान हुआ और उस नुकसान का अजाला लेने के लिए अदालत में चला गया, गैर कानूनी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सिक्योरिंग ऑफ राइट्स ने मेरे इंटरेस्ट को फॉर गुड जेपर्टाइज कर दिया, किस तरह के मेरा आपके साथ एक परमानेंट बिजनेस रिलेशन जो है खत्म हो गया, एक लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस रिलेशन जो है आपके साथ मेरा खत्म हो गया। इसका मतलब है इसको हम अगर किसी ऐसे तरीके से रिजॉल्व करते, इस डिफरेंस इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम कुछ ऐसे तरीके से रिजॉल्व करते कि जहां पे राइट्स के बजाय हम अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते, ऐसी सूरत के बीच में हम एक ग्रेटर बेनिफिट को अचीव कर सकते थे जो क्या था, कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस रिलेशन। ठीक है, राइट। तो ये जो हमारे पास बेसिकली जो तीसरा लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंटरेस्ट लेवल, ये हमें ऑफर होता है एडीआर के बीच। एडीआर एक्चुअली ऑफर्स अस एन इंटरेस्ट लेवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसके बीच में वी डू नॉट फॉलो अवर राइट्स, वी डू नॉट बैटल ईच अदर ऑन राइट्स, व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट्स। अब इसी प्रोपोजिशन में जो आपको मैंने अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की आपके सामने जो है वो भी रखी, अगर इसको फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इस तरह से आर्टिकुलेट कर लें कि आपकी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुझे उसका नुकसान भी हुआ, मैं अदालत में नहीं गया, मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं आपके साथ डायरेक्टली बात करूं और मैंने आपको एक निगोशिएशन टेबल के ऊपर आने के लिए मैंने आपको एक जो है वो नोटिस भेजा या आपको कॉल की मैसेज आपको ड्रॉप किया, लेट्स निगोशिएट ऑन दिस पॉइंट, आपके ब्रीच की वजह से मेरा कुछ नुकसान हुआ, तो हम लोग एक निगोशिएशन टेबल पे आ जाते हैं और मैं आपको आपके सामने रखता हूं कि देखें आपने मुझे 5 दिन गुड्स की लेट डिलीवरी की है जिसकी वजह से मुझे इतना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, मुझे कुछ फर्दर आगे डिलीवरीज करना थी आफ्टर रिसीविंग कंसाइनमेंट फ्रॉम योर साइड, तो जो आगे वाली डिलीवरीज है वो मेरी डिले हो गई है आपके डिले की वजह से, और वो लोग जो है अपने नुकसान को मुझसे क्लेम कर, या जो भी जिस भी तरह से मेरा उसके बीच में नुकसान हुआ, तो और मैं आपके सामने सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स रखता हूँ, कैलकुलेशन रखता हूँ कि ये टोटल अमाउंट मेरी अप्रोक्सीमेटली इतना सम ऑफ मनी है जो कि मुझे मॉनेटरी टर्म्स के बीच में या इसको मेरे लॉस को देखा था मॉनेटरी टर्म इतना नुकसान जो है मुझे इसमें बर्दाश्त करना पड़ा। आप उसको देखते हैं,
अंडरस्टैंड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आप उसको, और आप कहते हैं हाँ मुझे पता है मेरी तरफ से इसमें कितना डिले हुआ, हमने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको 10 तारीख को डिलीवरी देना थी, लेकिन 10 तारीख को हम डिलीवरी नहीं भिजवा सके, 15 तारीख को डिलीवरी जो है आपको रिसीव हुई है हमारी तरफ से, तो 5 दिन का डिले तो है। अब ये तो सबसे पहले निगोशिएशन टेबल के ऊपर क्या है कि पार्टीज ने वो जो होता ना एक लिटिगेशन के बीच में नो एडमिशन स्टेट डिनायल रिटर्न स्टेटमेंट्स के बीच में नॉर्मली हम जो फैक्ट्स है वी ट्राई टू डिनाई एवरी फैक्ट, ट्राई टू डिनाई एवरी फैक्ट विच इज अलेज्ड बाय द अदर पर्सन टू द प्लेंट। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि वो जो एक अवेसिव डिनायल था वहां से हम बाहर निकल आए और हमने अपनी अपनी पोजीशंस जो है उनको क्लियर कर दिया एक दूसरे के सामने कि मैंने कहा कि मेरा नुकसान जो है इतना है, एक जो एग्जैक्ट फिगर है वो मैंने आपके सामने रख दी, एग्जैजरेटेड क्लेम आपके सामने नहीं रखा मैंने कि जी मुझे इतना मेंटल टॉर्चर हुआ है, इतना मेरा फलाना नुकसान हो गया, तो आप जो है ना 15 करोड़ रुपए हर जाता जो है मुझे मिलना चाहिए इसके ऊपर, जबकि एक्चुअल जो मेरा क्लेम है मुमकिन है जो अमाउंट थी जो एक्चुअल अमाउंट थी जिसके ऊपर मुमकिन है कि मैं डैमेजेस क्लेम करूं वो मुमकिन है 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, तो या जो डिले की वजह से मुझे नुकसान हुआ वो मुमकिन है वो डिले की वजह से जो मुझे नुकसान हुआ मुमकिन है 2-4-5 लाख से ज्यादा का ना हो, लेकिन एग्जैजरेटेड क्लेम इतने करोड़, मेंटल टॉर्चर इतना, फलाने चार्ज इतने, फलाना ये, तो एक तो हमने अपनी पोजीशन को एक दूसरे के सामने बहुत वाजे तौर पर क्लियर कर दिया कि इतना मेरा नुकसान है, और दूसरे ने भी उसको अग्रेसिवली डिनाई करने की वजह से कहा यस आई अंडरस्टैंड आई नो इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड यहाँ पे हमारी तरफ से डिनाई जो है डिले हुआ है, लेकिन साथ में जो पार्टी ब्रीच है वो एक्सप्लेन भी कर सकती है कि ये डिले हुआ क्यों, वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं देखें ये डिले प्रॉब्लम ये थी कि हम हमारी तरफ से भी डेलिब्रेट डिले नहीं था, हम लोग पूरे टाइम पे इसको परफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बीच में डिले कुछ इस तरह से आया कि जो रॉ मटेरियल हमने यूज करना करते हैं अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो रॉ मटेरियल सर्टेन स्ट्राइक्स की वजह से हमें टाइमली मैनर में हासिल नहीं हो सका, रॉ मटेरियल हम तक देर से पहुंचने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग लेट हो गई, और मैन्युफैक्चरिंग लेट होने की वजह से आपकी डिलीवरी लेट हो, ठीक है, अब आपके पास भी प्लॉसिबल जस्टिफिकेशन है, ठीक है, तो अब दोनों पार्टीज जो है अगर ये प्लॉसिबल जस्टिफिकेशन आप लिटिगेशन के बीच में कोर्ट के सामने अगर रिटर्न स्टेटमेंट के बीच में देंगे ये भी प्लॉसिबल जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन तो आपकी बाद में सुनी जाएगी, एडमिशन आपका पहले देखा जाएगा कि आप एडमिट तो कर रहे हैं कि आपके तरफ से इतना डिले हो गया, ठीक है, तो खैर वो अभी लिटिगेशन के एस्पेक्ट्स की तरफ मैं फिलहाल नहीं जा रहा, सिर्फ आपको कंपैरिजन दे रहा, तो अब आपने जो जस्टिफिकेशन मुझे दी है मैं भी उसे अप्रिशिएट करूंगा, मैं भी उसे कहूंगा हाँ वाकई ऐसा होता है, मुझे पता है कि ये मुल्की हालात कुछ ऐसे थे कि कुछ स्ट्राइक्स थी या कुछ ट्रैफिक प्रॉब्लम जिस तरह के थे, कंसाइनमेंट्स जो है वो टाइमली मैनर में डिलीवर नहीं हो रही थी, तो आपका रॉन्ग फील आई अंडरस्टैंड। अच्छा अब दोनों पार्टीज ने अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस को ऑन टेबल क्लियर कर दिया, अब पार्टीज आएंगी सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन क्या आप कहेंगे अच्छा ओके ब्रीच आपकी तरफ से हुआ है लेकिन वो क्या आपकी तरफ से डेलिब्रेट ब्रीच नहीं है लेकिन हमारा नुकसान भी हुआ, हम क्यों ना इस तरह करें हमारा नुकसान हुआ 5 लाख, जो फ्यूचर हमारा आपके साथ बिजनेस है उसके बीच में जब भी आप हमें गुड्स डिलीवर करें, हमें अपनी जो प्रोडक्ट्स है जो गुड्स है वो सेल करें, उतनी देर तक कि जब तक हमारा 5 लाख का नुकसान जो है वो पूरा हो जाए आप हमें 5% डिस्काउंट के ऊपर गुड्स देते, 5% डिस्काउंट टिल द टाइम 5 लाख पीस ऑफ आवर लॉस इज कॉम्पनसेटेड, निकला है सॉल्यूशन, 5 लाख रुपए भी मिल गए मुझे, ठीक है मेरा बिजनेस का जो लॉस है वो भी पूरा हो गया, कोई मुझे अपना टाइम वेस्टेज मनी वेस्टेज
एनर्जी वेस्टेज नहीं करना पड़ा, ऑन द टेबल पार्टीज नेगोशिएटेड एंड रीच्ड एन एमिकेबल सॉल्यूशन, और हमारा आपस के बीच में जो बिजनेस रिलेशन है वो भी चलता रहा ऐसा ही। तो दैट इज हाउ इंटरेस्ट स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम द राइट्स। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये सारी जो डिस्कशन है ना आपसे करने का जो पर्पज है वो सिर्फ ये है कि आपको ये बताया जा सके कि ये दोनों मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स, लिटिगेशन एंड एडीआर, बोथ ऑफ देम आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दे आर नॉट अल्टरनेट टू ईच अदर, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। ये एक पॉइंट है, इसको जहन में रख लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक मिसकंसेप्शन जो है वो पाई जाती है। समझा ये जाता है कि जो एडीआर है दिस इज एन अल्टरनेट टू लिटिगेशन। नो, इट इज नॉट अल्टरनेट टू लिटिगेशन, इट इज अल्टरनेटिव टू लिटिगेशन। अल्टरनेटिव एंड अल्टरनेटिव, दे स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व जरूर करते हैं लेकिन इन्हें एट अ डिफरेंट लेवल। एक के बीच में पार्टीज अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है, दूसरे के बीच में पार्टीज राइट्स को सेक्रीफाइस करके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। आज इंटरनेशनल प्लेन में, इंटरनेशनल लेवल पे, और इवन आप डोमेस्टिकली में हमारे यहाँ पे इस चीज को काफी ज्यादा रियलाइज किया जा चुका है कि एडीआर जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है वो इसी वजह से कि इसमें लोगों, पीपल एंड अप सिक्योरिंग ग्रेटर बेनिफिट विच इज इंटरेस्ट। ठीक है, तो एडीआर कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज, एडीआर स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताता चलूं यहां पे, इसको कभी भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ना कहिए। इट इज नॉट अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्योंकि वैसे हमारी जो डिक्शनरी है, ये अदब की डिक्शनरी या जनरल डिक्शनरी जो है, उसके बीच में आपको ये वर्ड्स एज सिनोनिमस मिलेंगे टू ईच अदर। ऑल्टरनेट का सिनोनिम मिलेगा आपको अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का ऑल्टरनेट, लेकिन जब इसका लीगल यूज जो है, लीगल यूज के बीच में दोनों क्या जो सिग्निफिकेंस है वो डिफरेंट है। ऑल्टरनेट का जो वर्ड है कुछ इस तरह से यूज होता है जिस तरह ऑल्टरनेट रेमेडी की बात करते हैं लिटिगेशन के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच में, रिट पिटीशन का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ा होगा, उसके बीच में रिट पिटीशन के कॉन्टेक्स्ट में एक ऑल्टरनेट रेमेडी का लफ्ज कई दफा इस्तेमाल होता है। अगर अभी तक बहुत ज्यादा आप उसे निराशना नहीं है तो आगे प्रैक्टिस में आएंगे तो आप जान जाएंगे। तो वहां पे भी जो ऑल्टरनेट रेमेडी की बात होती है ना, वो बेसिकली होती है लिटिगेशन एज एन ऑल्टरनेट रेमेडी टू रिट पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन। तो लिटिगेशन फॉर लिटिगेशन इज ऑल्टरनेट, एडीआर फॉर लिटिगेशन इज अल्टरनेटिव। तो एडीआर जो है बेसिकली वो सारे के सारे मेथड्स जो कि लिटिगेशन के अल्टरनेटिव है, विच आर अपार्ट फ्रॉम लिटिगेशन, दे फॉल इनटू द एम्बिट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। चंद एक की हम यहां पे बात करेंगे जो सबसे ज्यादा राइज है, वैसे तो काफी ज्यादा इसके बीच में मेथड्स हैं, लेकिन कुछ वो वाले मेथड्स जो कि सबसे ज्यादा इन प्रैक्टिस हैं और सबसे ज्यादा जो राइज हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले आता है निगोशिएशन। आप सब लोग, ऑल ऑफ यू आर विद मी, यू आर लिसनिंग टू इट, अभी तक कंफ्यूजन सॉल्व, क्लियर? मैं एक बार फिर से कहूंगा, अगर थोड़ा आगे आ जाए तो बेहतर होगा मेरे लिए, मुझे और अच्छा महसूस होगा आपको कुछ ये बातें बताने के बीच में। दैट कॉर्नर कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड प्लीज। निगोशिएशन, negotiation, it is a process initiated by the parties themselves to resolve the dispute without assistance of any third party.
मेरा और आपका डिस्प्यूट है, मेरे और आपके डिस्प्यूट के बीच में हम लोग डायरेक्टली उसको रिजॉल्व करने के लिए मीट ईच अदर, दिस इज नेगोशिएशन। मैं आपसे रابطہ करता हूं, उससे रابطہ करते हैं, हम वी गेट टुगेदर एंड वी डिस्कस अवर द मैरिट्स ऑफ अवर डिस्प्यूट एंड ऑल द इंटरेस्ट व्हिच वी कैन सिक्योर, तो दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन। हाँ, ये आप थ्रू एजेंट्स भी कर सकते हैं, इवन यू कैन ऑल्सो मीट ईच अदर थ्रू योर एजेंट्स। ये जरूरी नहीं है कि इन पर्सन, क्योंकि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट एंटिटीज है, तो कॉर्पोरेट एंटिटीज दे ऑलवेज डू समथिंग थ्रू समवन। तो अगर एक कंपनी है, कोई कॉर्पोरेशन है, उसका कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है किसी पार्टी के साथ, आउटसाइडर के साथ, तो वो अपने किसी भी ऑफिशियल को, सीईओ को, कंपनी सेक्रेटरी को, किसी भी और ऑफिसर को, किसी डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को ऑथोराइज कर सकते हैं टू मीट द अदर पार्टी, नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। इसी तरह इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है, दैट इज मीडिएशन। मीडिएशन इज एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी असिस्ट द पार्टीज टू एग्री ऑन देयर ओन सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। पार्टीज जनरली डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली। मीडिएशन ये भी निगोशिएशन का ही एक दूसरा मेथड है। सिर्फ फर्क इसके बीच में है वो ये कि पार्टीज इसके बीच में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती, दे मीट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ मीडिएटर, एक थर्ड पार्टी है जो कि दोनों पार्टीज के साथ इंटरेक्ट करते हुए उस डिस्प्यूट को जो है वो निगोशिएट करती है और उसको मीडिएट करती है, पार्टीज के उस नेगोशिएशन को मटीरियलाइज करते हैं। लेकिन उसके बीच में जो सॉल्यूशंस है वो पार्टीज के अपने सॉल्यूशन होते हैं। इसके बीच में अपने सॉल्यूशंस के होने का जो मतलब है वो ये, इसका मतलब ये नहीं कि मीडिएटर अपनी तरफ से कोई सॉल्यूशन प्रपोज नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम है कि जो पार्टीज को एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ये एक डिस्टिंक्शन है एडीआर। और उसके बीच में पर्टिकुलरली नेगोशिएशन, मीडिएशन और रिकंसिलिएशन के जो इसके मेथड्स हैं उनकी, कि एक ऐसा आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम, एक ऐसा सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट जो पार्टीज को एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल, दैट कैन नॉट एग्जीक्यूटेड। हाँ, वंस पार्टीज हैव एक्सेप्टेड इट, देन आफ्टर रीचिंग अ सेटलमेंट एग्रीमेंट दे कैन नॉट रिनाउंस इट, फिर उससे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन उसको एक दफा एक्सेप्ट करने के लिए, करना जो है पार्टीज के लिए जो है वो जरूरी है। वहां पे देखें, अच्छा, वहां पे मीडिएशन या वहां पे ज्यादा जो एक्सरसाइज होती है वो मीडिएशन की होती है। अच्छा, जो क्वेश्चन है मैंने पूछा वो ये कि जो एडीआर सेंटर्स है, जो हमारे यहाँ पे जो एडीआर सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं 2019 के जो एक्ट है उसके मुताबिक, वहां पे जो एक्टिविटी होती है वो मीडिएशन है या नेगोशिएशन है? तो आई हैव आंसर्ड दैट, दैट इज मीडिएशन। वहां पे जो जो भी ऑफिसर जो कि बेसिकली हु इज अ जज ऑफ सम कोर्ट, लेकिन उनको एक रोल दिया जाता है दैट ऑफ अ मीडिएटर, एडीआर सर्विस प्रोवाइडर का नाम जो है वो हमारे कानून के बीच में इस्तेमाल होता है, तो जो एडीआर सर्विस प्रोवाइडर है वो वहां पे रोल प्ले करता है मीडिएटर का, और वो पार्टीज के दरमियान उसको मीडिएट करता है। हाँ, किसी जगह के ऊपर वो रिकंसिलिएशन भी करवाता है। रिकंसिलिएशन और मीडिएशन की डिफरेंस को हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन इन एडीआर सेंटर्स के बीच में लार्जली इट इज मीडिएशन एंड रिकंसिलिएशन। अच्छा, ये लफ्ज कंसिलिएशन लिखा हुआ है, इट्स अ टाइपो एरर, इट्स रिकंसिलिएशन, राइट? एन एक्सटर्नल पार्टी हेल्प्स द डिस्प्यूटेंट टू एमिकेबली रीच अ सॉल्यूशन, पार्टीज इंटरेक्ट विद ईच अदर इन रिकंसिलिएशन। मीडिएशन और रिकंसिलिएशन के बीच में जो डिफरेंस है वो यही है कि मीडिएशन के बीच में पार्टीज डू नॉट इंटरेक्ट, ओनली द मीडिएटर इंटरेक्ट्स विद बोथ द पार्टीज। रिकंसिलिएशन के बीच में पार्टीज डू इंटरेक्ट विद ईच अदर बट इन द प्रेजेंस ऑफ द रिकंसिलिएटर। हमारा जो एमएफएलओ के बीच में प्रोविजन है ना, वो रिकंसिलिएशन की, रिकंसिलिएटिव प्रोसीडिंग्स की,
तो वो भी तो रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो जज की मौजूदगी में होती है, और जो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं जो कि जनरली मियां भी होते हैं, वो बैठ के एक दूसरे के साथ डायरेक्टली निगोशिएट कर रहे होते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द जज, प्रेजेंस ऑफ द रिकंसिलिएटर, जज एट दैट टाइम इज एक्टिंग एज अ रिकंसिलिएटर. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिकंसिलिएशन एंड मीडिएशन. तो हमारे वहां एडीएस सेंटर्स में या मीडिएशन होती है या रिकंसिलिएशन होती है. उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन. व्हाट इज आर्बिट्रेशन? बस एक पॉइंट ऑफ व्यू आर्बिट्रेशन के बारे में पाया जाता है कि इट्स अनदर वे ऑफ लिटिगेशन, बट दैट इज नॉट करेक्ट. प्राइवेट पार्टी प्राइवेट डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज बाय अ न्यूट्रल पार्टी who is empowered to make binding award. Arbitration का process है, ये एक बहुत ही दिलचस्प और distinct process है. Arbitration एक ऐसा process है कि जो conduct तो एक judicial manner के बीच में होता है, but still it is a part of ADR. It is not a part of litigation, it is a part of ADR. Why it is a part of ADR, इसके ऊपर हम आगे आके थोड़ी सी मुझसे बात करेंगे. पाकिस्तान के बीच में एडीआर के जो कवानीन है वो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे एडीआर के कवानीन कौन कौन से हैं. एक है द पंजाब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019. अच्छा, ये बात वही जो मैंने आपसे कुछ देर पहले भी पॉइंट आउट की थी आपको, या आप देख रहे हैं आगे वर्ड लिखा हुआ है SIC. ठीक है, इस ऑल ऑफ यू आर लर्निंग एनफ टू नो दैट व्हाट डज SIC मींस. ये जो एरर है ना, इट्स ऑन द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर, इट्स नॉट ऑन माय पार्ट. द वर्ड अल्टरनेट, एज आई सेड अर्लियर, इट्स नॉट अ गुड यूज ऑफ वर्ड फॉर एडीआर. द राइट वर्ड शुड हैव बीन द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. एनीवे, लेकिन जिस तरह से उसको टाइटल किया गया है उस लॉ को, उसी तरह से हम उसको जो है वो प्रोनाउंस करेंगे. द पंजाब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019, ये पंजाब के बीच में अप्लाई करता है. और दूसरा है द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2017, ये इस्लामाबाद टेरिटरी में अप्लाई करता है. यहां पे द राइट वर्ड हैज बीन यूज्ड. ये जो दोनों कानून हैं, इनकी जो टेक्स्ट्स हैं वो मैंने तुम्हें शान साहब को मैंने इनको मैंने PDF जो है उनको पहुंचा दिए थे इस रिक्वेस्ट के साथ के ये आप लोगों को मिल जाए और आप लोग बाद में इनको जो है इनका मुताला जो है वो कर सकें. आप जब उनको स्टडी करेंगे तो आप इसके बीच में एक चीज को बहुत ज्यादा देखेंगे. अगर आप थॉरली इस इन कवानीन को आप उनको रीड करेंगे और इनकी स्कीम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आप एक चीज एक नतीजे तक जो है वो वेरी लाइकली यू विल रीच. और वो ये कि हमारे यहाँ पे जो ADR प्रोसीडिंग्स है जो इन कवानीन के तहत हो रही है, दे आर लार्जली जुडिशियल प्रोसीडिंग. I mean, under the patronage of judicial. एक मैटर पहले कोर्ट के बीच में जाएगा, कोर्ट उस मैटर को रेफर करेगी आगे ADR सेंटर के बीच. हमारा जो कानून है 2019 वाला पंजाब का, ये तो मुकम्मल तौर पे इसी चीज के उसको जो है वो प्रोवाइड करता है कि मैटर्स टू द ADR सेंटर्स विल बी रेफर्ड बाय द कोर्ट. आप इसको जब रीड करेंगे विल नो दैट. जो इस्लामाबाद का कानून है 2017 का, वो उसकी निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है और बेहतर है. वो इस तरह से कि वो दोनों तरह की प्रोसीडिंग्स को अलाउ करता है और उनको लीगल कवर जो है वो देता है. वो वाली प्रोसीडिंग्स जो अदालत के जरिए से ADR सेंटर्स में जाए, या वो वाली प्रोसीडिंग्स जो पार्टीज डायरेक्टली ADR सेंटर्स में लेके जाए, तो दोनों कानून के बीच में ये किसी हद तक फर्क है. लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि वो उन कानून को जरूर पढ़िएगा और दैट विल ओपन अप योर माइंड. आगे जाके हम थोड़ा सा इसका इंटरनेशनल लॉ अगली स्लाइड है. सर ये काइंडली इसको ऑफ कर सकते हैं? ऑफ कर दीजिए. आप क्वेश्चन पूछ लें. ये जो दो
बोथ 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 दोनों कुछ एक्सेप्शन हैं सिविल और क्रिमिनल दोनों के बीच में कि जो मैटर्स जो है एडीआर के बीच में नहीं ले जाए जा सकते, लेकिन उसके अलावा सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं वो आप एडीआर सेंटर्स के बीच में जो है वो लेके जा सकते हैं, अदालतों को भिजवा सकते हैं। जी 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 इसीलिए वर्ड लिखा नीचे। बेटा उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं, आप अभी मैं आगे आर्बिट्रेशन की तरफ आ रहा हूँ, फिर हम उसके हवाले से कुछ तफसीलन बात करेंगे। आप भी कुछ पूछने लगे थे। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, प्रोवाइडिंग गुड गुड ऑफिसेस, मैं आपका मतलब एडीआर सेंटर्स को भेजना, आपका मकसद है कि डिस्प्यूट को एडीआर एक एक वो सेटलमेंट है जो कोर्ट अपने वहां पे कोर्ट के बीच में करवा सकती है, और एक सेटलमेंट है कि जो करवाने के लिए अदालत जो है एडीआर सेंटर में भिजवा देती है। हाँ आप पूछना चाहते हैं कि इनके बीच में फर्क क्या है। इसके बीच में देखें वैसे तो सीपीसी के बीच में इसकी प्रोविजन मौजूद है कि जहां पर भी पार्टीज जो है पार्टीज ऑन डिस्प्यूट वो उनके जो डिस्प्यूट है उनका जो डिफरेंस है वो रिजॉल्व हो सकता है, एक अमिकेबल सेटलमेंट पे पहुंच जाती है, तो कोर्ट उस सेटलमेंट को रिकॉर्ड करके उसके ऊपर जजमेंट देने की पाबंद है, प्रोवाइडेड कि कोर्ट इस चीज में सेटिस्फाइड हो कि दैट सेटलमेंट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, बाय द टाइम सेटलमेंट बिफोर द कोर्ट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, कोर्ट उस सेटलमेंट को, जरूरी नहीं है कि उस सेटलमेंट के बीच में पार्टीज के राइट्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जिस तरह आपने पहले बात की थी कि राइट्स और इंटरेस्ट की, अगर पार्टीज ने अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट के सामने एक सेटलमेंट कर लिया है जो कि कानून के किसी प्रोविजन को डिफीट नहीं कर रही है, तो ऐसी सूरत के बीच में कोर्ट उसको एक्नॉलेज करके उसके ऊपर जजमेंट पास कर सकती है। और इसी तरह अगर पार्टीज खुद से किसी सेटलमेंट पे नहीं पहुंच सकी है, लेकिन उनको लगता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी हो सच एज कोई मीडिएटर हो या रिकंसिलिएटर हो तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को शायद एक दूसरे को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सके और उसके बाद हम किसी नतीजे तक जो है वो पहुंच सके, तो फिर ऐसे मैटर्स को एडीआर सेंटर्स के बीच में भेज दिया जाता है ताकि वहां पर उनको एक एडीआर सर्विस प्रोवाइडर की जो खिदमात है वो उनको हासिल होती है वहां पर। ठीक है, अभी तक क्लियर? अच्छा, जिस तरह हमारे डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन के बीच में ये दो कानून मैंने आपको बताए हैं कि यहाँ पे मौजूद है, पंजाब का एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का, इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ कानून हैं जो कि बनाए जा चुके हैं, उनकी मैं आज किसी तफसील में तो नहीं जा रहा, लेकिन उनकी भी टेक्स्ट जो है या मैंने भिजवा दिया, अगर नहीं भी भिजवाई तो मैं भिजवा दूंगा, इवन अदरवाइज दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, अगर आप खुद से भी इनको सर्च करना चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगे, इन्हीं टाइटल्स को आप वहां पे गूगल पे लिखेंगे यू विल फाइंड देयर टेक्स्ट। तो अनसिट्रॉल कंसिलिएशन रूल्स हैं, अनसिट्रॉल बेसिकली एक अदारा है यूनाइटेड नेशंस का जिसका काम है बैन अल-अक़वामी तजारती कवानीन की तश्कील, इंटरनेशनल ट्रेड लॉज को बनाना, और इसी तरह अनसिट्रॉल मॉडल लॉ ऑफ मीडिएशन है 2018 का, फिर यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन 2018, तो ये तीन कानून है, इनको आप देखिएगा और इनकी स्कीम को अंडरस्टैंड करके कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा विद आवर डोमेस्टिक लॉस जो कानून हमने बनाए हैं। एक चीज मैं आपको जस्ट टू ओपन अप योर माइंड ऑफ दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड हु आर लिसनिंग टू मी एट द मोमेंट एक्सक्लूडिंग द वंस हु आर सिटिंग ऑल द वे बैक देयर एंड बिजी टॉकिंग टू ईच अदर, ये जो
अनसिट्रॉल के बनाए हुए कवानीन होते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, इसके साथ लिखा हुआ एक वर्ड मॉडल लॉ। मॉडल लॉ बेसिकली वो वाला कानून होता है जो बैन अल-अक़वामी सतह पर इसलिए बनाया जाता है कि जो डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शंस हैं, पर्टिकुलरली डेवलपिंग ज्यूरिसडिक्शंस, वो इन डेवलप्ड लॉज को अडॉप्ट करके अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस को हार्मोनाइज कर सकें इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ। ये जो मीडिएशन के ऊपर मॉडल लॉ तश्कील दिया गया था अनसिट्रॉल की तरफ से, ये दिया गया था 2018 के बीच में, और हमने जो एडीआर लॉ बनाया है, ये पंजाब का पर्टिकुलरली द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट, ये बनाया है 2019 में। तो 2018 के बीच में जब एक मॉडल लॉ पहले से इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका था फॉर द पर्पज ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक लॉज ऑफ द कंट्रीज, तो हमने एक साल के बाद जब कानून बनाया तो हमने कुछ ज्यादा फायदा उसमें से जो है वो नहीं उठाया। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस कानून को कंपेयर जरूर कीजिएगा, इसको रीड कीजिएगा अनसिट्रॉल मॉडल लॉ ऑफ मीडिएशन को, और उसको कंपेयर कीजिएगा अपने डोमेस्टिक लॉज को, अपने डोमेस्टिक लॉज को कंपेयर कीजिएगा इसके साथ। अब हम आते हैं आर्बिट्रेशन के ऊपर, जो हमारा फाइनल एक टॉपिक है जिसके बारे में जहां पे आके हमने अपनी डिस्कशन को एक्चुअली कंक्लूड करना है। आर्बिट्रेशन एक ऐसा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है कि जिसके बीच में दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। दोनों एलिमेंट्स कौन से? लिटिगेशन का एलिमेंट भी इसके बीच में पाया जाता है और एडीआर का एलिमेंट जो है वो भी इसके बीच में पाया जाता है। कौन सा? लिटिगेशन का एलिमेंट इसके बीच में कौन सा है? डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स। आर्बिट्रेशन के बीच में यू डू नॉट डिटरमिन द इंटरेस्ट्स, आप यहां पे पार्टीज के डिस्प्यूट्स को इंटरेस्ट्स की बुनियाद पे रिजॉल्व नहीं करते, आप पार्टीज के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन देयर राइट्स, राइट। जो इसके बीच में एडीआर एलिमेंट है वो क्या है इसमें? वो है पार्टी ऑटोनॉमी एंड प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम पार्टी ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि पार्टीज के इख्तियारात, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस के बीच में पार्टीज के पास कितने इख्तियारात हैं और कहां कहां पे वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कहते हैं पार्टी ऑटोनॉमी। ये जो पार्टी ऑटोनॉमी का एलिमेंट है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन लिटिगेशन। लिटिगेशन में आपके पास चॉइस नहीं है कि हमने कौन से जज के पास अपना मैटर लगवाना। लिटिगेशन के पास के बीच में आपके पास चॉइस नहीं है कि हमने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, सीपीसी हमने सिविल सूट में अडॉप्ट करना है, इसको अप्लाई करना है कि नहीं करना। लिटिगेशन में आपके पास ये ऑटोनॉमी अवेलेबल नहीं है कि आप ये कहें कि जी हमने एविडेंस तो करवानी है लेकिन क्यूएसओ को फॉलो नहीं करना हमने। तो ये वाली जो ऑटोनॉमी है ये आपके पास मौजूद है आर्बिट्रेशन के बीच में। आप प्रोसीजर को अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, आप एविडेंशियरी रूल्स को अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं, आप आर्बिट्रेटर अपनी पसंद का चूज कर सकते हैं, जहां जिस आर्बिट्रेटर से आप सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल, आपका इंजीनियरिंग डिस्प्यूट है जो एक लीगल एक्सपर्ट जो है मुमकिन है उसको इंजीनियरिंग का कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप किसी रिटायर्ड जज को या किसी सीनियर वकील को आर्बिट्रेटर चूज करें। आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बीच में से किसी सीनियर इंजीनियर को भी आर्बिट्रेटर के तौर पर ले सकते हैं। आपका माइनिंग डिस्प्यूटर, आप किसी माइनिंग एक्सपर्ट को ले सकते हैं, अकाउंट एक्सपर्ट को ले सकते हैं अकाउंटिंग का डिस्प्यूट। तो यू कैन चूज द जज
the judge is not the right word for the arbitrator, but just to make myself clear, आप अपना जो डिस्प्यूट रिजॉल्वर है, जो आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहा है, जो आपके राइट्स को डिसाइड कर रहा है, वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो ये अटोनोमी जो और प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, ये डिस्टिंग्विश करती है आर्बिट्रेशन को फ्रॉम लिटिगेशन। तो लिहाजा आर्बिट्रेशन एक वो वाला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, एक मिनट, वो वाला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है जिसके बीच में एक एलिमेंट जो है दैट कम्स फ्रॉम द लिटिगेशन साइड, विच इज द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स, एंड द अदर एलिमेंट कम्स फ्रॉम द एडीआर, विच इज पार्टी ऑटोनॉमी एंड प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी। जी बेटा, दूसरा लग ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, आर्बिट्रेशन की बहुत मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। एक डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, एक फॉरेन आर्बिट्रेशन है। इन तीनों टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन के बीच में ये जो अटोनॉमी टू एक्सेस टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोसीजर है, ये वेरी करती है। जो पार्टी अटोनॉमी आपको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के बीच में अवेलेबल है, मुमकिन है, उतनी अटोनॉमी आपको डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में मौजूद अवेलेबल ना हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डोमेस्टिक लेजिस्लेशन ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन के जिस भी मुल्क की डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है। जैसा कि हम अगर पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो आर्बिट्रेशन का कानून है वो हमें किस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक्सरसाइज करने की इजाजत देता है, किस हद तक ऑटोनॉमी हमें प्रोवाइड करता है। तो प्रिसाइजली आंसरिंग योर कैंस क्वेश्चन, जो ऑटोनॉमी है, प्रोसीजर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अगर चाहें कि हम किसी दूसरे मुल्क का प्रोसीजर अप्लाई करना चाहते हैं, बाय द टाइम दैट इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ योर डोमेस्टिक लॉ, you are allowed to adopt, you can apply the procedure of a foreign jurisdiction in a domestic arbitration till the time it does not come into conflict with the mandatory provisions of your domestic law. Non mandatory provisions ko aap contract out kar sakte hain, non mandatory procedural provisions ko aap contract out kar sakte hain domestic arbitration ke beech mein, right? अच्छा, अब हम इस पर थोड़ी तफसीलन बात करते हैं। आर्बिट्रेशन की टाइप्स जो मैंने अभी आपको बताई, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है और फॉरेन है, इनके बीच में फर्क क्या है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये पूरी ठीक है, सारे ब्लॉक्स हैं, सर आप ना करें, मैं ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले ऊपर थोड़ी सी कटिंग है, बट यू कैन रीड इट। सबसे ऊपर है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, उसके बाद नीचे फॉरेन आर्बिट्रेशन, एंड देन ये है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आई गेस, या फिर ये मैं इसको पूरा कंफर्म कर लूं अपने मोबाइल से, ताकि दूसरी फॉरेन है और तीसरी इंटरनेशनल है, ठीक है। जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, इसके बीच में जो पार्टीज हैं, दे बिलोंग टू पाकिस्तान, आई मीन देर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसलिए पार्टीज पाकिस्तानी होती हैं, सब्जेक्ट मैटर पाकिस्तानी होता है, प्रोसीजरल लॉ पार्टीज विल, यही ऑटोनॉमी जिसकी मैंने अभी आपसे बात की, सब्सटेंटिव लॉ पाकिस्तानी। आप पार्टी ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए सब्सटेंटिव लॉ को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बीच में सब्सटेंटिव राइट्स हैं पार्टीज के ऑफ अ डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन, जिसके बीच में कुछ स्टेट के इंटरेस्ट्स और पब्लिक पॉलिसी के एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं, तो इसलिए सब्सटेंटिव लॉ को आप कॉन्ट्रैक्ट आउट डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में नहीं कर सकते। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन से मुराद होता है द प्लेस वे दैट आर्बिट्रेशन इज टेकिंग प्लेस, और व्हेन यू से द प्लेस
way the arbitration is happening, it means that the legal system of the country under which that arbitration is taking place. तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के बीच में वो जो लीगल सिस्टम है जो उस आर्बिट्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, जो दूसरे अल्फाज में कह लें कि जो उसको सुपरवाइज कर रहा होता है, वो पाकिस्तान का होता है. तो जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है दैट इज ऑल्सो पाकिस्तान डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में. और जो अवार्ड है द रिजल्टेंट अवार्ड विच कम्स एट द एंड दैट अवार्ड इज कॉल्ड एज ट्रीटेड एज अ डोमेस्टिक अवार्ड. ऑलवेज हैज अ नेशनैलिटी. It's either domestic or it's foreign. We have different laws for executing both types of awards. Domestic awards ko execute karne ka kanoon mukhtalif hai aur foreign awards ko execute karne ka enforce karne ka jo kanoon hai wo mukhtalif hai. Uska matlab hota hai foreign arbitration. Foreign arbitration mein parties Pakistani hoti hain. Parties are Pakistani. Subject matter bhi Pakistani hota hai. Procedural law, foreign, law of the seat. What makes an arbitration foreign is that the parties change the legal system under which that arbitration will take place. Though parties belonging to Pakistan, if they want to resolve their dispute, if they want to arbitrate their dispute in Dubai, they can do it. They are allowed to do it. There is no problem to that. लेकिन उससे फर्क जो आएगा वो क्या आएगा कि जब दुबई के बीच में वो आर्बिट्रेशन होगी तो जो लीगल सिस्टम उस आर्बिट्रेशन को कंट्रोल करेगा वो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम नहीं होगा, वो दुबई का लीगल सिस्टम होगा. तो लिहाजा द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन विल बिकम दुबई या जिस भी जुरिस्डिक्शन के बीच में पार्टीज जो है वो आर्बिट्रेशन जो है उसको वो कंडक्ट कर रही है. उसके बाद सब्सटैंटिव लॉ. अगेन अगर पार्टीज पाकिस्तानी हैं, सब्जेक्ट मैटर पाकिस्तानी है, अगर वो दुबई के बीच में भी जाके अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेट कर रहे हैं, सब्सटैंटिव लॉ को वो चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ प्योरली ऑफ पाकिस्तान आर इन्वॉल्व. एक्सक्लूसिवली द इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एंड ऑफ द state which are involved, those are of Pakistan. तो लिहाजा जो substantive rights हैं वो जो decide होंगे those will be decided according to the substantive law of Pakistan. Seat of arbitration क्योंकि बाहर के मुल्क के बीच में है तो foreign है. और उसी तरह जो award at the end आएगा, at the end जो award आएगा foreign arbitration के बीच में, that award will be treated as a foreign award. Why that would be treated as a foreign award and not a domestic award? Because it has been delivered under the legal system of a foreign country. Jis legal system ke tahat award deliver hoga, wo legal system us award ki nationality hogi. That award would be treated, if conducted in Dubai, that award would be treated as a domestic award in Dubai. But in Pakistan, that would be treated as a foreign award, despite the fact that parties went to Dubai from Pakistan and the subject matter also belongs to Pakistan. Two questions I have. बेटा बहुत अच्छा सवाल है, आगे इसी पे आओ. यही अगला पॉइंट मेरा यही है. आप कमेंट करो. तीसरा आगे आता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है. इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है इट स्टैंड्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोथ टाइप्स ऑफ प्रीवियस आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन. उसके पास पानी है. इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है उसके बीच में पार्टीज जो है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के आपने कहा, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा, पार्टीज कम फ्रॉम टू डिफरेंट ज्यूरिस्डिक्शंस. जहां पे अब भाई बेटा आपने अगर सवाल पूछा था उसका आंसर भी देना. डोंट एंगेज योरसेल्फ विद अदर पर्सन.
अगर पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन एन आर्बिट्रेशन आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस, दैट वुड दिस एलिमेंट वुड मेक दैट आर्बिट्रेशन एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. दिस विल कन्वर्ट एन आर्बिट्रेशन इन एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बिकॉज द पार्टीज आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ सिंगल जुरिस्डिक्शन. पार्टीज आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस. मेरा और आपका तजारती मुआहिदा, आप किसी यूरोप के मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूं, मैं आपको कुछ चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था या आप मुझे कुछ चीजें इधर एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारा एक कमर्शियल एग्रीमेंट था और उसके बीच में डिस्प्यूट आ गया और हमने अपने एग्रीमेंट के बीच में यह तय कर रखा था पहले से कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा हम उसको आर्बिट्रेशन के जरिए से रिजॉल्व करें. और ये जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं इनके बीच में एक बहुत ही प्रॉपर किस्म की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज होता है जो कि मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही होती है कि अगर डिस्प्यूट अराइज होगा तो उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन ओवर 90% केसेस दैट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इज आर्बिट्रेशन. उसकी बहुत सी वजूहात, उन सबके बीच में अगर मैं अभी जाऊंगा तो फिर असल मौजूद जो है हमारा वो पीछे रह जाएगा. किसी और मौके के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि क्यों आर्बिट्रेशन क्यों इतना राइज हो चुका. तो जब आर्बिट्रेशन क्लॉज उसके बीच में मौजूद होगी तो उस आर्बिट्रेशन क्लॉज को इन्फोर्स किया जाएगा और वंस दैट क्लॉज इज इन्फोर्स्ड that arbitration will be termed as an international arbitration. एक दूसरा element जो कि arbitration को international character देता है, apart from parties coming from two different jurisdictions, वो ये है if the economic interest into that arbitration is involved of more than one domestic jurisdiction. Parties mumkin hai kisi ek mulk se taluq rakhti hain, lekin agar unke darmiyan mein jo subject matter of dispute hai that is cross national, wo ek se zyada jurisdictions ke sath taluq rakhta, this can also render that arbitration as an international arbitration. Iske beech mein सीट जो सब्जेक्ट मैटर है वो पाकिस्तानी भी हो सकता है और फॉरेन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि डिस्प्यूट किस चीज पर आ रहा है. प्रोसीजरल लॉ, लॉ ऑफ सीट, पाकिस्तानी और स्पेनिश पार्टी के दरमियान में डिस्प्यूट है और उन्होंने ये तय कर रखा है कि अगर डिस्प्यूट हमारा कोई अराइज होगा, उन्होंने अपने पेरेंट एग्रीमेंट बिजनेस एग्रीमेंट के बीच में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज के बीच में तय कर रखा था कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम उसको एक न्यूट्रल जुरिस्डिक्शन फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर के बीच में हम उसको आर्बिट्रेट करें under the patronage of an arbitration institution. दुनिया के बीच में बहुत से arbitration institution थे. अब अगर एक पाकिस्तानी और स्पेनिश पार्टी के दरमियान जो dispute arbitrate हो रहा है सिंगापुर के बीच में, seat of arbitration is Singapore, right? As I said earlier. और जो procedural law है वो apply करेगा कहाँ का, ना तो पाकिस्तान का ना स्पेन का बल्कि सिंगापुर का. क्यों? क्योंकि लीगल सिस्टम उसका है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है. सब्सटैंटिव लॉ, यहां पे आके ये एलिमेंट अब चेंज हो जाता है क्योंकि अब यहां पे पार्टीज जो है वो एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन से पार्टिसिपेट करें, एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन से आ रहा. अब सब्सटैंटिव लॉ ऑफ पाकिस्तान इज नॉट एन एसेंशियल,
अब ये जो सब्सटैंटिव लॉ है, कोई भी फॉरेन लॉ हो सकता है, कोई भी इंटरनेशनल लॉ हो सकता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि आर्बिट्रेटर कोई भी अपनी मर्जी से कोई लॉ को चूज कर सकता है? नो, पार्टी चॉइस, पार्टी ऑटोनॉमी, पार्टी चूज करें। नॉट आफ्टर द राइजिंग ऑफ डिस्प्यूट, कर सकती है आफ्टर ऑफ राइजिंग ऑफ डिस्प्यूट भी कर सकती है, बट इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द बेसिक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज दे विल डिसाइड दैट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट the law, the seat of arbitration would be Singapore and applicable substantive law will be international commercial terms, jo ke international kanoon, and applicable law would be convention on international sale of goods. Parties choice, parties kis tarah se choose karti hai, ek bahut lambi discussion hai, ye bhi mukhtasar se usko bata deta hu. Keeping in view the merits and the development of the law, कौन सा law उनको ज्यादा remedies provide कर रहा और ज्यादा contractual benefits provide करता और उनकी specific transaction के बीच में उसकी relevance किस हद तक है, कितनी ज्यादा उसकी relevance है, कुछ इस तरह के aspects को मद्देनजर रखते हुए parties अपनी मर्जी से substantive law को choose करती है, international law arbitration. Then seat of arbitration foreign और अच्छा foreign और पाकिस्तान, अच्छा अगर parties दो खास jurisdiction से ताल्लुक रखती हैं तो इसका क्या मतलब है कि those two jurisdictions are excluded totally and cannot be chosen as seat of arbitration? No. अगर parties willing उन दोनों में से भी किसी एक जगह को सीट ऑफ आर्बिट्रेशन के तौर पे चूज करना चाहे तो वो कर सकते, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ केसेस के बीच में ऐसा नहीं होता. पार्टीज जनरली गो फॉर अ न्यूट्रल वैल्यू. अवार्ड नेशनैलिटी ऑफ अवार्ड जो है इसके बीच में वो है फॉरन. जी बेटा, दोबारा बेटा ऊंचा थोड़ा सा. देखिए, हमारे यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बात है, आपने हबको वर्सेस वापटा का जो केस है उसको स्टडी किया हुआ है. हबको वर्सेस वापटा जो है उसके बीच में जो डिस्प्यूट था वो बेसिकली दैट वाज नॉट द डिस्प्यूट ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ अ लॉ. हबको वर्सेस वापटा के बीच में जो पार्टीज के बीच में बेसिकली डिस्प्यूट था दैट पर्टेन्ड टू रेफर टू आर्बिट्रेशन, के जो पाकिस्तानी कोर्ट थी बिफोर स्टार्टिंग द आर्बिट्रेशन पाकिस्तानी कोर्ट गेव एंटी आर्बिट्रेशन इंजंक्शंस एंड सेड दैट द पार्टीज विल नॉट गो टू आर्बिट्रेशन बट दे विल कम बिफोर द कोर्ट टू लिटिगेट. लिहाजा कोर्ट ने उस केस के बीच में इंस्टेड ऑफ रेफरिंग द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन कोर्ट एक्सेप्टेड द जुरिस्डिक्शन ऑन दैट और लिहाज उसके नतीजे में जो वापदा था इट नेवर वेंट टू आर्बिट्रेशन. तो उसके बीच में जो डिस्प्यूट और ये हो गया केस है विच वॉज ग्रेटली क्रिटिसाइज ऑन इंटरनेशनल प्लेन फॉर द सेम फाइंडिंग गिवन बाय द पाकिस्तानी कोर्ट्स. जो नेशनैलिटी ऑफ अवार्ड इसके बीच में जो डिस्प्यूट था वो इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड के मुतालिक नहीं था, वो रेफरल टू आर्बिट्रेशन के मुतालिक था. अलबत्ता चंद केसेस हैं जिसके बीच में उसका टाइटल इस वक्त मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, जिनके बीच में इस तरह की फाइंडिंग्स दी गई है. नॉट हबको केस के बीच में एक और केस है जिसके बीच में अलबत्ता ये चीज कही गई, क्योंकि
कुछ इस तरह से वर्डिंग है उसके बीच में कि द फॉरेन लीगल सिस्टम रिमेन्स रेलिवेंट ओनली टू द एक्सटेंट टिल द टाइम पार्टीज आर arbitrating the dispute under that system, and once the award has been rendered and it comes to Pakistan for enforcement, it will be enforced according to the law of Pakistan. ऐसी findings जो हैं वो बिल्कुल आपको मिलती हैं कुछ पाकिस्तानी case law के बीच में, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि ये वो वाले cases हैं कि जिनको बाद में precedents के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया. आज ये कानून हमारे केस लॉ के बीच में भी मुकम्मल तौर पर सेटल हो चुका हुआ है कि अगर एक अवार्ड फॉरेन जुरिस्डिक्शन के बीच में रेंडर हुआ तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन अवार्ड इन पाकिस्तान. बहुत से केसेस हैं अभी रिसेंटली 2019 के बीच में हमारा ओरिएंट वर्सेस एसएन डिप्लोर का जो केस था उसके बीच में फॉरेन अवार्ड रेंडर, आई थिंक इट वाज अ सिंगापुरियन ट्रिब्यूनल दैट जिसका अवार्ड यहां पे इन्फोर्स किया गया. उसके बाद ये 2023 के बीच में एक थ्रेडल वाला केस है जिसके बीच में ऑनरेबल जस्टिस द्वार साहब ने एक फॉरेन अवार्ड को फोर्स किया है ट्रीटिंग इट एज अ फॉरेन अवार्ड नॉट ट्रीटिंग इट एज अ डोमेस्टिक अवार्ड. ठीक है, तो इसके ऊपर केस लॉ, दिस प्लेथरा ऑफ केस लॉ नाउ डेवलपिंग पाकिस्तान, जो कि इस पॉइंट को बहुत वाजे कर देता है कि फॉरेन जुरिस्डिक्शन में दिया गया अवार्ड जो है एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के नतीजे में आया हुआ अवार्ड है, दैट इज नॉट डोमेस्टिक अवार्ड. कुछ केस लॉ अगर मजीद आपको इसके ऊपर चाहिए हो तो आप और इसके बाद मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा. यहां तक आपको जो डिस्टिंक्शन था, इज इट क्लियर डोमेस्टिक फॉरेन और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का? मैं थोड़ा सा तेजी से चलूंगा क्योंकि टाइम काफी हो गया और मैं देख रहा हूं आपके लिए भी थोड़ा सा ये आपको एग्जॉस्टिंग हो रहा है. ये कवानीन की एक लिस्ट है जो पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के आर्बिट्रेशन लॉस है. पाकिस्तान के बीच में आर्बिट्रेशन एक्ट है, ये आर्बिट्रेशन प्रोटेक्ट कन्वेंशन एक्ट है, ये पार्टली रिपील हो चुका. जो 1937 का एक्ट है पार्टली इट हैज बीन रिपील्ड, पार्टली इट इज स्टिल इन फील्ड. दूसरा रिकग्निशन इन्फोर्समेंट आर्बिट्रेशन एक्ट में फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स एक्ट 2011, आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट एक्ट 2011. हमारे यहाँ पे इतना सिर्फ मैं पॉइंट आउट करता चलू, यहाँ पे डोमेस्टिक अवार्ड्स को और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स दोनों अगर आपने इन्फोर्स करवाना, यू विल टेक रिकोर्स टू आर्बिट्रेशन एक्ट 1940. इफ द डिस्प्यूट इफ द आर्बिट्रेशन इज डोमेस्टिक, यू विल टेक रिकोर्स टू दिस. इफ द आर्बिट्रेशन इज फॉरेन और इंटरनेशनल, you will take recourse to recognition and enforcement arbitration agreements and foreign arbitral awards act 2011. foreign international arbitration agreements and foreign awards, both of them are enforced in accordance with the terms in accordance with the provisions of this act which is passed in 2011. teen stages hai arbitration ke, teenon ke forms different, प्री आर्बिट्रल, प्रो आर्बिट्रल एंड पोस्ट आर्बिट्रल. ये वो वाला पॉइंट है जो मैं आई ओरिजिनली वांटेड टू एक्सप्लेन. जो प्री आर्बिट्रल स्टेज है वो भी नेशनल कोर्ट के सामने होती है, प्रो आर्बिट्रल स्टेज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने, और पोस्ट आर्बिट्रल स्टेज जो है वो अगेन that takes place before the national court. role of domestic law in international arbitration, that is where your role comes. pre-arbitral stage which takes place before the national court, there is no embargo, there is no problem for you to participate at this pre-arbitral stage. आर्बिट्रल स्टेज होती क्या, इस प्रवीण को अगर आप पढ़ें, ये प्रवीण मैंने उसी 2011 के एक्ट के बीच में से लिए, न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो उसका एक स्केड्यूल है उसके लिए प्रवीण. द कोर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट व्हेन सीज्ड ऑफ एन एक्शन इन मैटर रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द पार्टीज हैव मेड एन एग्रीमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल शैल एट द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन
unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative, incapable of being performed. Court of a national, the court of a contracting state, ठीक? Convention, international convention खुद से ये word use कर रहा है कि contracting state की जो अदालत है, contracting state से मतलब वो वाली अदालतें, वो वाली रियासतें जिन्होंने उस इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर रखा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट, इसके पार्टी बन चुकी हैं, जब उनके सामने कोई ऐसा मैटर जाएगा जो जो कि कंटेन करता है एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विच इज एज प्रोवाइडेड इन दिस आर्टिकल, इन द 14th आर्टिकल, इसका जो सब क्लॉज 2 है उसके बीच में रेफर्ड है, ऐसी सूरत के बीच में वो जो अदालतें हैं, वो जो कोर्ट्स हैं, दे विल रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, shall at the request of one of the parties refer the parties to arbitration unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative, incapable of being performed. These three exceptions. अगर इनमें से एक exception apply करती है, तो court उसको arbitration में refer नहीं करेगी. Otherwise, कोई भी ऐसा matter जो कि जिसके बीच में एक international arbitration agreement मौजूद है, कोर्ट उसको किसी एक पार्टी की रिक्वेस्ट पे आर्बिट्रेशन में रेफर कर देगी, ताकि पार्टीज इन अकॉर्डेंस विद देयर एग्रीमेंट, इन अकॉर्डेंस विद देयर कॉन्ट्रैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें, ना कि वन ऑफ द पार्टीज बाईपासेस द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड ब्रिंग्स द डिस्प्यूट बिफोर अ नेशनल फोरम. यहां पे एक चीज सिर्फ आपको जिक्र करना चाहूं, वो ये कन्वेंशन इस प्रोविजन के बीच में हमें ये नहीं बताता कि ये तो तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, नल एंड वॉइड, इनऑपरेटिव एंड इनकैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, इसको कौन से कानून के मुताबिक हमें जांचना, इन रिक्वायरमेंट्स को कौन से कानून के मुताबिक हमने परखना है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हैज नॉट बिकम नल एंड वॉइड, इनऑपरेटिव और इनकैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म. तो लिहाजा यहां पे आपके पास एक बहुत वैस्ट फील्ड है, आप यहां पे डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ दोनों को इस्तेमाल करके, दोनों की मदद लेके आप इन प्रोविजंस को जो है वो कोर्ट के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इन योर रिस्पेक्टिव केस. डिपेंड्स कि आप किस साइड से, आर यू कमिंग फ्रॉम द पार्टी हु वांट्स टू ब्रिंग द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन, टेक द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, और यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी who wants to litigate before a national court, so accordingly you can apply. जो ज्यादा attention seeking part है arbitration का for the domestic lawyers, वो है उसका post arbitral stage. वो क्यों? क्योंकि post arbitral stage के हवाले से जो कन्वेंशन है वो हमें खुद से कुछ रिक्वायरमेंट्स दे देता है, वो हमें खुद से ये बता देता है कि कौन से कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स चलेंगी. इसको रीड करते हैं, रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द अवार्ड मे बी रिफ्यूज्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी अगेंस्ट होम इट इज इन्वोक्ड ओनली इफ दैट पार्टी furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought proof that the parties to the agreement referred to in Article 2 were under the law applicable to them, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it to, or failing any indication thereon under the law of the country where the award was made. सिर्फ इसी एक प्रोविजन से मैं पॉइंट अपना क्लियर कर दूंगा और आप खुद से स्लाइड्स को बाद में और से देख सकते हैं. पोस्ट आर्बिट्रल स्टेज, वो वाली स्टेज कि जहां पे एक पार्टी की फेवर में अवार्ड रेंडर हो चुका है ऑलरेडी, और अवार्ड होल्डर उसको एक खास ज्यूरिसडिक्शन के बीच में लेकर गया है सीकिंग इट्स इन्फोर्समेंट. जैसे पाकिस्तानी और स्पेनिश पार्टी की पहले हमने एग्जाम्पल ली, उसी पे दोबारा चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
स्पेनिश पार्टी के अगेंस्ट में अवार्ड आ गया. पाकिस्तान पार्टी हैज वन द आर्बिट्रेशन एंड द अवार्ड हैज बीन रेंडर्ड अगेंस्ट द स्पेनिश पार्टी. पाकिस्तानी पार्टी क्या करेगी? पाकिस्तानी पार्टी सर्टेनली उस अवार्ड को किसी ऐसी जुरिस्डिक्शन में लेके जाएगी जहां पे अवार्ड डेटर के कुछ एसेट्स मौजूद हो, ताकि उन एसेट्स की बुनियाद पे अवार्ड को सेटिस्फाई किया जा सके. ऐसा ही जैसे जजमेंट डिक्री की सेटिस्फेक्शन होती है, ऐसे ही होता है लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स. पार्टी के जहां पे एसेट्स होते हैं जिस भी उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में है, तो ठीक है, नहीं है तो किसी और की जुरिस्डिक्शन से भी उनको लिक्विडेट किया जा सकता है. तो वेरी लाइकली दो एसेट्स विल एग्जिस्ट इन स्पेन, क्योंकि पार्टी बिलोंग्स टू स्पेन. तो पाकिस्तानी पार्टी व्हाट इट विल डू इज टू पाकिस्तानी पार्टी विल टेक दैट अवार्ड टू स्पेन फॉर इन्फोर्समेंट. अब स्पेनिश कोर्ट के सामने जब वो अवार्ड जाएगा और वहां पे अवार्ड होल्डर एक एक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट इनिशिएट करेगा, तो जो अवार्ड डेटर है सर्टेनली वो उसको अपोज तो करेगा, वो उसको रेजिस्ट तो करने की कोशिश करेगा उसके इन्फोर्समेंट एक्शन को. तो ऐसी सूरत में जो कन्वेंशन हमें कहता है कि अगर उस कोर्ट के सामने जहां, अच्छा दिस इज वाइस वर्सा, बल्कि बेहतर यह है कि हम एग्जांपल पाकिस्तान की ले, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी आसानी. मैं पाकिस्तानी पार्टी को वॉर डेटर नहीं बनाना चाहता था दरअसल, इसलिए मैंने स्पेनिश पार्टी को वॉर डेटर बना दिया. लेकिन आपके लिए ज्यादा आसानी होगी पाकिस्तान की अदालत के सिस्टम को समझते हुए. अगर अवार्ड आ गया इन फेवर ऑफ स्पेनिश पार्टी, एंड अगेंस्ट द पाकिस्तानी पार्टी तो स्पेनिश पार्टी क्या करेगी? हमारे यहां पे जो 2011 का एक्ट मैंने अभी पीछे आपको, जिसका टाइटल मैंने आपको दिखाया, वो जो इसके अख्तियार मात्र जो है ना वो देता है हाईकोर्ट को, प्रोविंशियल हाईकोर्ट. तो जिस भी प्रोविंस के बीच में एसेट्स मौजूद है अवार्ड डेटर के, उस वाली प्रोविंशियल हाईकोर्ट के बीच में अवार्ड होल्डर अपना इन्फोर्समेंट एक्शन इनिशिएट करेगा रिलाइंग ऑन दिस प्रोविजन. जब इनिशिएट करेंगे तो जो स्पेनिश पाकिस्तानी पार्टी ऑब्वियसली वो उसको अपोज तो करने की कोशिश करेगी उसकी इन्फोर्समेंट को अवार्ड को. उसके बीच में डिफरेंट ग्राउंड होंगी, सच है वो ये भी कह सकती है कि ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो ही वैलिड नहीं है. वो ये भी कह सकती है कि ये जो पार्टी है इससे मिस्टर वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है, एंड मैनी मोर ग्राउंड. अभी जो रिसेंट केस लॉ जिनका मैं अभी हवाला दे रहा था 2023 का, अगर वो रिसेंट केस लॉ आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जिस प्रोविजन को इन्वोक किया गया है वो है इसी आर्टिकल की सब क्लॉज 2, जिसके बीच में पब्लिक पॉलिसी ग्राउंड को इन्वोक किया गया कि वॉर इज नॉट इन कंफॉर्मिटी विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. तो फिलहाल पब्लिक पॉलिसी की बजाय हम इसकी बात कर रहे हैं. तो जब ये एक्शन स्टार्ट होगा और वहां पर ये ऑब्जेक्शन लिया जाएगा कि पार्टी जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है या अंडर द लॉ अंडर सम इनकैपेसिटी और द साइड एग्रीमेंट इज नॉट या एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं है, तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो चीज प्रोवाइड करता है यहां पर थोड़ी सी त्वचा दीजिएगा, थोड़ी सी त्वचा भी बेटर है क्योंकि ये पॉइंट मैं आप ही के लिए बता रहा हूं. अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो फिर मेरा बताने का ज्यादा फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वो वाला पॉइंट है जो आपके रोल को बेसिकली इंक्रीज करता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस. तो वहां पे जब कोर्ट के सामने वो इन्फोर्समेंट एक्शन चल रहा होगा तो वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और द कैपेसिटी ऑफ द पार्टी टू द आर्बिट्रेशन शैल नॉट बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तानी अदालत के सामने केस को आर्ग्यू करते हुए अब पाकिस्तानी कानून को अप्लाई नहीं करेंगे. आप कौन से कानून को अप्लाई करेंगे? कन्वेंशन ये कहता है अंडर द लॉ विच द पार्टीज हैव सब्जेक्टेड इट टू, अगर पार्टीज ने एक्सप्रेसली कोई कानून उसका चूज कर रखा है, जैसे मैंने आपको पहले पार्टी इकोनॉमी के बारे में बता रहा था कि पार्टी इकोनॉमी के जरिए से पार्टीज खुद से कानून को चूज कर सकती है, अगर पार्टीज ने खुद से
उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की वैलिडिटी का एप्लीकेबल लॉ चूज कर रखा है तो उसको अप्लाई करेगा, वो वाला लॉ कैन बी इंग्लिश लॉ, कैन बी अमेरिकन लॉ, दैट कैन बी लॉ ऑफ एनी अदर फॉरेन जुरिसडिक्शन, और दोज कैन ऑल्सो बी द इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की वैलिडिटी को डिटर्मन करेगी उस लॉ के मुताबिक जो पार्टीज ने चूज कर रखा है, और अगर पार्टीज ने ऐसी कोई चॉइस नहीं कर रखी है ऐसी सूरत में अंडर द लॉ ऑफ सीट, अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द अवार्ड वाज मेड, उस कंट्री के कानून के मुताबिक जहां पे वो अवार्ड रेंडर किया गया, और अवार्ड हमारी प्रोपोजिशन के मुताबिक कहां पे रेंडर किया गया था, सिंगापुर के बीच। इसका मतलब यह है व्हाइल आर्ग्यूइंग योर केस बिफोर अ पाकिस्तानी कोर्ट यू विल बी बाउंड टू कंसल्ट द सिंगापुरियन लॉ इफ द अवार्ड हैज बीन रेंडर्ड इन सिंगापुर, यू विल बी बाउंड टू बी टू रीड एंड बी अवेयर एंड टू बी वेल टू बी वेल अवेयर ऑफ द लॉ ऑफ सिंगापुरियन लॉ, और उसके मुताबिक आप कोर्ट को यह बताएंगे कि क्यों ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ये वैलिड है या वैलिड नहीं है। इसी की जो दूसरी प्रोविजन है उसके बारे में अगर आप देखें, द कॉम्पोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, मैंने कुछ प्रोविजन बीच में निकाल दिए, मोस्ट एलिमेंट रखी है ताकि डिस्कशन शॉर्ट भी रहे और आसान भी। द कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और द आर्बिट्रल प्रोसीजर वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, और फेलिंग सच एग्रीमेंट वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द आर्बिट्रेशन टुक प्लेस। एक पार्टी ये ट्रांस लेती है कि जी जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल था दैट वॉज नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, उसकी कॉम्पोजिशन सिंगापुर में ठीक तरीके से नहीं हुई थी, तो जो कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है दैट शैल नॉट बी एग्जामिन्ड बाय द पाकिस्तानी कोर्ट बाय अप्लाइंग द पाकिस्तानी लॉ, दैट शैल बी एग्जामिन्ड बाय द पाकिस्तानी कोर्ट अप्लाइंग द लॉ ऑफ द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इफ द पार्टीज हैव नॉट एक्सप्रेसली चोजन एनी अदर लॉ। तो वो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन दुनिया का कोई भी मुल्क हो सकता, वो सिंगापुर हो सकता है, वो अमेरिका हो सकता है, वो इंग्लैंड हो, लंदन हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, वो कोई और भी और कंट्री हो सकता है, इवन हमारे नेबर्स के बीच में आप दुबई के बीच में बहुत अच्छी आर्बिट्रेशन हो रही हैं, मलेशिया के बीच में आप बड़ी अच्छी आर्बिट्रेशन होती है, तो जिस भी मुल्क के बीच में वो आर्बिट्रेशन हुई होगी आपको उस मुल्क का कानून जरूर पढ़ना पड़े और उसके मुताबिक अब क्या ये दो these two stages, pre-arbitral stage and post-arbitral stage, in दोनों stages पाकिस्तान में रहते हुए आप foreign laws को study करेंगे, क्यों, इसलिए ताकि आप उस foreign award या foreign उस international arbitration agreement की या तो enforcement मान सकें या उसकी enforcement को resist कर सकें। वन लास्ट स्लाइड जो रिलेट करती है प्रो आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन प्रोसीजर से, जो मिडल की स्टेज है विच कम्स बिटवीन प्री आर्बिट्रल एंड पोस्ट आर्बिट्रल विच इज प्रो आर्बिट्रल स्टेज जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने कंडक्ट होती है, क्या वहां पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? कोई कानून ऐसा नहीं है, कोई ऐसा इंटरनेशनल लॉ नहीं है कि जो आपको मना करता है कि आप इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स में अपेयर पाकिस्तान के बीच में एनरोल होते हुए आप वहां पे अपेयर नहीं हो सकते। कोई ऐसी स्पेशल रजिस्ट्रेशन, कोई स्पेशल एक्रीडेशन, कोई स्पेशल ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है कि तो आप कहें कि हमें अगर हम LCIA के सामने पेश होना चाहते हैं, हम ICC के सामने पेश होना चाहते हैं, हम एक्सल ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना चाहते हैं, तो हमें उससे पहले ये वाली क्वालिफिकेशन फॉरन क्वालिफिकेशन या फॉरन एलिजिबिलिटी जरूर लेनी है। आप बीइंग अ पाकिस्तानी लॉयर ओनली थिंग विच यू नीड टू डू इज यू नीड टू सीक एक्सपर्टीज इन दिस एरिया, एक्सपर्टीज हासिल करें और उसके बाद यू शुड हैव अ क्लाइंट हु ट्रस्ट्स यू ऑन दिस मैटर। विद दिस इन्वॉल्वमेंट विद पंजाब बार you can appear on all before all
इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, कुछ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स कुछ खास रिक्वायरमेंट्स इनको देती हैं, लेकिन दोज आर वेरी स्पेसिफिक। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए हैं, अनसेटल आर्बिट्रेशन रूल्स, इसको पढ़ेंगे तो लिखा हुआ आर्टिकल 5 में, ईच पार्टी मे बी रिप्रेजेंटेड और असिस्टेड बाय पर्संस चोजन बाय इट। पार्टी किसी भी पर्सन को चूज कर, किसी भी पर्सन को चूज कर ले, मैं पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपको, आपके ऊपर रिलाय करता, आपकी एक्सपर्टीज पर रिलाय करता, मुझे पता है आप मेरे केस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, आप इंटरनेशनल फोरम पे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं आपको क्यों अपॉइंट नहीं कर सकता या आप वहां पर अपेयर क्यों नहीं हो सकते। आर्टिकल 5 को देखकर तो लगता है कि जैसे अगर कुछ यहाँ की पंजाब बार कौंसिल या किसी बार कौंसिल में अनलोड ना भी हो, वो भी पेश हो सकता है। इवन वो भी अगर पार्टीज जो है उसको कोई उसको चूज करें, लेकिन उसके पास सर्टेनली उसके पास लीगल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसके पास लीगल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एलसीआईए का जो ये आर्बिट्रेशन रूल्स, वो वाले रूल्स हैं बेसिकली, एलसीआईए रूल्स, आईसीआर रूल्स, कि जिस तरह हमारी डोमेस्टिक लिटिगेशन के बीच में हम प्रोसीजर लॉ के लिए सीपीसी को अप्लाई करते हैं, तो आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर को गवर्न करने के लिए उनके कुछ रूल्स होते हैं, तो जब हम किसी इंस्टीट्यूशन को चूज करते हैं तो उनका रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई कर जाते हैं। ऐसे रूल्स कहते हैं, एनी पार्टी मे बी रिप्रेजेंटेड इन एन आर्बिट्रेशन बाय वन और मोर ऑथराइज्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपीयरिंग बाय नेम बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से। सो जो बात करने का मकसद है वो ये, इट इज लेस अबाउट एलिजिबिलिटी एंड मोर अबाउट एक्सपर्टीज। आप इस फील्ड के बीच में इसको एलियन ना समझें, इसको ये ना समझें कि बियॉन्ड रीच है, इसको ये ना समझें कि ये कोई खास क्लास ऑफ लॉयर्स है जो इसके बीच में डील करती है, हमने नहीं डील करना इसके बीच में, हमारा काम कुछ मुख्तलिफ है, हमें सिर्फ ये जमीनों शमीनों के केस करने हैं बस। नो, आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अपनी एक्सपर्टीज को एनहेंस करें, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के कोर्सेज को अवेल करें, ऑनलाइन करें, अब तो डोमेस्टिकली भी यहां पे कुछ ना कुछ ऑफर होना शुरू हो गया है, उनको चाहे ज्वाइन करें, उसके बाद खुद को मोटिवेट करें इस एरिया के बीच में मजीद स्टडी करने के लिए और इसकी एक्सपर्टीज को हासिल करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी, यू आर इक्वली एलिजिबल, you are equally relevant in this dispute resolution system. It is not that it is only meant for a specific class of lawyers, not at all. main in the provisions ko aur case study ki madad se bhi kafi aapko discuss karna chahta tha, lekin ab main bhi thak gaya hu aur aap bhi thak chuke hain, main isliye किसी मौके पे और इंशाल्लाह। तो पहले आज का जो पर्पस था वो सिर्फ इतना, जस्ट टू टेल यू, थ्री पूरी डिस्कशन के बीच में दो तीन पॉइंट्स जिनको मैं अगर पिन पॉइंट करूं, सबसे पहले बेटा एक मिनट मुझे बात कर लें तो उसके बाद आप देखिए कुछ। नंबर वन, डिस्प्यूट अवॉइडेंस पे काम कर। डिस्प्यूट अवॉइडेंस कम्स prior to dispute resolution. तो आपने सुना है कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर, तो dispute avoidance भी basically एक किस्म का परहेज है। और ये ना समझे कि अगर dispute avoidance हो जाएगी, disputes ये arise ही नहीं होंगे तो वकील क्या करेंगे, ऐसा ना सर, ये भी एक लीगल एरिया। और आज आपका कॉर्पोरेट सेक्टर इस पर इन्वेस्ट करने को तैयार, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर जो है आपको पता है they hate litigation. They hate courts. They hate paying hefty fees to the lawyers. क्यों? क्योंकि it is not in accordance with the business model. इनका business model ये नहीं है कि झगड़े निपटाते रहे, disputes resolve करते रहे और वकीलों को फीसें देते रहे। उनका business model होता है खास, ये product manufacture कर रहे हैं, ये हमारी investment है, ये हमारा input है, ये हमारा output है। उसके बीच में ये जो लिटिगेशन वाली साइड है या जो डिस्प्यूट
वन साइड है, ये उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन होती है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है, मनी है, एनर्जी है। इसलिए आज वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है इसके ऊपर के हम डिस्प्यूट अवॉइडेंस मैकेनिज्म्स के ऊपर काम करें ताकि नंबर ऑफ अराइजिंग जो अराइजिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। नंबर दो, दूसरा जो पॉइंट पिन पॉइंट करूंगा इसके बीच में वो है एडीआर। डिस्प्यूट अवॉइडेंस पे आप जितना भी काम करें डिस्प्यूट्स विल रिमेन। एडीआर हमारे यहां पर इस वक्त एडीआर पे काफी काम हो रहा। ये एक ऐसी फील्ड है जो भी सैचुरेट नहीं हुई, जो कानून मैंने आपको बताया 2017 और 19 वाला उनको पढ़ें और उसके बीच में आप ये देखें कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी कहां पे देखते हैं। ट्रस्ट मी देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज विद इन दोज लॉस पर मीन्स ऑफ दोज लॉस। आप उसको केयरफुली एनालिटिकली स्टडी करें और देखें कि आप यहां पे कहां पर फिटिंग होते हैं। ये वो फील्ड है अभी सैचुरेटेड नहीं है, यू कैन फाइंड योर प्लेस देयर। नंबर थ्री, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स, इनको एलियन ना समझे आप ही के लोगों के। ये प्रॉपर्टी नहीं है कोई खास क्लास ऑफ लॉयर्स की, सिर्फ आपको अपनी कैपेसिटी में अपने आप को उनके बराबर लाने और वो यकीन जाने आप इस तरह नहीं ला सकते कि अगर इफ समवन इज देयर टू इंपार्ट यू समथिंग एंड यू आर हार्डली पेइंग अटेंशन टू इट, यू कैन नॉट सी दोज एक्सपर्टीज दिस वे। तो उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत हो, खुद को मोटिवेट करें। इजाजत है, एक बात बातें और कर लेंगे सर। देखिए बेटा, पहली बात तो ये कि जो एडिया जिसकी वजह से मैंने आपको कहा है कि आपके पास इसके बीच में बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, वो इसी वजह से कहा है कि पाकिस्तान के बीच में अभी एडीआर का जितना काम हो भी रहा है ना वो जुडिशियल साइड पे हो रहा है। अभी प्राइवेट साइड पे कोई भी एडीआर का ज्यादा काम नहीं कर एक मिनट, लेकिन ये तो कानून है जिसकी वजह से मैंने कहा कि इनको गौर से पढ़े। ये आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं प्राइवेट साइड पे भी इसको इस पर काम करने के लिए। प्राइवेटली भी आप अपने एडीआर सेंटर्स बना सकते हैं, लॉ रिकॉग्नाइजेज इट। आई मीन लॉ आपको कहता है कि आप एडीआर सेंटर बना सकते हैं, ठीक। हाँ, एडीआर सेंटर को बनाएं, उसके बाद उसको रजिस्टर करवाएं, उसको उस एम्बेड के बीच में लेके आए कि जहां पे वो जो आपकी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि यहां पे जुडिशियल साइड से काम आता है, जहां पे जुडिशियल साइड से आपको काम आना शुरू हो जाए। या ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तब तक एक बेहतर लेजिस्लेशन आ जाए कि जहां पे जुडिशियल एडीआर के अलावा जो प्राइवेट एडीआर है उसको भी, उसकी सेटलमेंट एग्रीमेंट्स को भी एक लीगल कवर तब तक मिल चुका हो। तो ऐसी सूरत के बीच में जिस तरह से पार्टीज के दरमियान में एक प्राइवेट अवार्ड इन्फोर्सेबल होता है, उसी तरह से एक प्राइवेट एडीआर सेटलमेंट एग्रीमेंट भी इन्फोर्सेबल होगा। तो लेजिस्लेशन को यकीनन इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन लेजिस्लेशन की इंप्रूवमेंट के इंतजार में आपका जो एग्जिस्टिंग आपके पास जो चांस है और जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस ना करें, उसको उसमें से आप निकालने की कोशिश करें, अपने लिए देखें। और भी कुछ है, और भी कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लें। पहले उन्होंने कहा था काफी मसला की वजह थी।